धन्य करूं के माताएं एवं बहनें, आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से भाई का खूनी भाई या दर्दीला किस्सा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किस प्रकार सहोदर भाई को कत्ले इल्जाम देता है, आप इस कैसेट के माध्यम से श्रवण करें। तो आज आगे श्रवण करते हैं। भाई के खूनी भाई का हकीकत है कि पैसा, स्त्री और जमीन पर हमेशा संग्राम होते आए हैं और इसका गवाह है ये इतिहास। तो आइए भाई सुनते हैं। रायपुर नगर महान, सुनो धर ध्यान बड़ो सुखकारी, हाँ पुत्र ही न परिवार मत कोई।
भगवान न जाने हमें कब संतान देगा, कब हमें अपनी संतान का मुंह दिखाएगा। इस पर चंद्रभान समझाता है कि धैर्य धारण करो। और हुआ क्या, अरे काए को नारे घबराई, we'll be right back.
हुआ क्या है कि जगदम्बे की पूजा मेरे खाने तीनों ध्यान लगाए। करना है तो
सजना माँ बन के इनका पालना। सदा सदा के लिए संसार छोड़ के चली गई। जब माँ
चली जाती है और दोनों बच्चे रोते रह जाते हैं। आज चंद्रभान अपनी पत्नी रेखा की याद करके बिलखने लगे और कहने लगे कि रेखा रेखा तुम अपने नादान बच्चे को छोड़ के चली गई। और कहने लगे हैं कि रेखा आके बोलो, जागो जागो उठो नैन खोलो। जागो जागो उठो नैन खोलो, प्यारे दुलारे लालन।
बहनों, आज रेखा ने जब ये शब्द अपने पति से कहे हैं और अंतिम समय में अपने दोनों पुत्रों को दूध पिलाकर के आज वो मैया हमेशा हमेशा के लिए सो गई, जब माँ हमेशा हमेशा के लिए वो संसार छोड़ करके चली गई, आज दोनों बच्चे खड़े खड़े रो रहे हैं और चंद्रभान खड़े खड़े आंसू बहा रहे हैं, उसी समय रेखा से कहने लगे हैं, रेखा तुम अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, भला ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे खड़े रो रहे हैं, आगे खोलो। और बार बार रेखा को झकझोरते हैं, कहते हैं, रेखा आगे तो खोलो और क्या कह रहे हैं, जागो जागो उठो नैन खोलो, जागो जागो उठो नैन खोलो, डाढ़ू प्यारी के मुख से।